भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तस्वीरें हैं सुकमा के ठोडरी बेड़ा गांव की। यहां आजादी के 77 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। लाल आतंक से मुक्त होने के बाद लोगों में आजादी के इस महोत्सव को लेकर अलग ही जज्बा था। भारत माता के जयकारे लग रहे थे। यहां तक कि गांव के बुजुर्गों ने तिरंगा फहराने से पहले उसकी पूजा की और उसके बाद ध्वजारोहण किया। पहली बार गाँव की दहलीज में शान से तिरंगा लहराता देख ग्रामीणों के चेहरे में अलग ही चमक थी, जिस कारण से आज पहली बार यहां पे कैंप में ध्वजारोहण के कार्यक्रम किए हैं और जिसमें सारे आसपास के गांव जैसे डोंडी बेड़ा गांव हो गया, ब्रे बेड़ा हो गया और मेटानार के हो गया, ये यहाँ के ग्रामीण आज हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही खुश हैं। यहाँ नया पुलिस कैंप स्थापित होने के बाद से राष्ट्रीय पर्व के मायने बदल गए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय पर्व के दौरान नक्सली काला दिवस मनाया करते थे। इस दौरान क्रांतिकारी गीतों के साथ बच्चे और गांव के लोग गदर के गीत गाते थे। फोर्स के आने के बाद गदर के गीतों को गुनगुनाने वाले चेहरे अब भारत माता की जयकारे के साथ लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। और इसके पहले 26 जनवरी को पहली बार ध्वजारोहण हुआ और ये फर्स्ट टाइम 15 अगस्त जो देश का स्वतंत्रता दिवस है, फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता दिवस में डोंडी बेड़ा में झंडा फहराया जा रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को भी हमने इनवाइट किया है। अच्छी बात यह है कि जो मुख्य काम है यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि जो लोकल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि वो सुरक्षित हैं और जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उनके साथ खड़ी है और सुरक्षा की भावना उनके बीच में आए, इसमें इस कैंप का बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी आसपास के गांव हो गए, जो मेटानार हो गया, मसपुर हो गया, डोंडी बेड़ा हो गया, यहाँ के लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। अबूझमाड़ के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच ढोडरी बेड़ा गांव बसा है। पहले यहाँ सिर्फ लाल आतंक का कब्जा था, लेकिन अबूझमाड़ में फोर्स की तैनाती के बाद से यहाँ के हालात बदल रही हैं। इसी साल 26 जनवरी को पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया गया था। वहीं स्वतंत्रता दिवस के दिन पहली बार इस गांव में शान से तिरंगा लहराया गया, क्योंकि पहले ऐसा तिरंगा फहराया नहीं जाता था इधर डर के वजह से। फिर भी इस साल जो है ना, इसे कैंप के थ्रू कैंप आया, वहाँ से आज़ादी को अच्छी तरह से हम मना पा रहे हैं। सर पहले तो ये डर रहता था कहीं हमें फोर्स पकड़ ना ले, इस वजह से हम फोर्स को देख के भागते थे, उनसे दूर भागते थे, लेकिन अब सब मिलजुल के एक साथ हम ऐसे ऐसे त्यौहार जो 15 अगस्त 26 जनवरी हम अच्छे से मना रहे हैं। बता दें कि अंदरूनी इलाकों में फोर्स की तैनाती के कारण विकास के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। पहले पुलिस को देखकर जंगल में भागने वाले ग्रामीण अब उनके साथ पर्व मना रहे हैं। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। नारायणपुर से इमरान खान की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।